ये सर आरसीसी और पानी को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। इस तरीके से जीवाणु जांच ये माध्यम से ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के माध्यम से ये हमारी टीमें आई हुई हैं। विकास खंड के समस्त ग्राम पंचायतों में पेयजल स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता हेतु कुल 11 तरह के गतिविधियों के माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए ये टीमें प्रत्येक गांव में जाएगी और अपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से सफाई कितनी ज़रूरी है, बीमारी क्यों होती है, कारण क्या है और निवारण कैसे हो सकता है, जन समुदाय के बीच जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से पेयजल स्रोतों के रख रखाव और जल जनित बीमारी कैसे हो रही है, जैसे जो जल जनित बीमारियां हैं उल्टी दस्त डायरिया डेंगू पीलिया पथरी मस्ती जो हैजा टाइफाइड अनेक तरह की जो जानलेवा बीमारी है कैसे जन समुदाय को बचाया जा सकता है और जो हमारे पेयजल स्रोत हैं वो दूषित कैसे हो रहे हैं, किस कारण से, जैसे तीन कारण से पेयजल हमारे दूषित हो रहे हैं, जो जैविक कारण है, भौतिक कारण है और रासायनिक कारण है। पानी में अनेक तरह के जो रासायनिक तत्व चाहे किसी तत्व की अधिकता हो जा रही है या कमी है, जैसे आर्सेनिक फ्लोराइड क्लोरीन क्लोराइड टर्बिडिटी हार्डनेस पीएच मान बैक्टीरिया आयरन नाइट्रेट किसी तत्व की कमी हो गई है या अधिकता हो गई है तो उसके पेयजल गुणवत्ता की जाँच करके जन समुदाय में बताया जाता है कि अगर हम अपने पानी को सुरक्षित रखेंगे तो शुद्ध पानी पिएंगे तो जो अनेक तरह की बीमारियां हैं वो नहीं होंगी और जो हमारे गाढ़े कमाई का पैसा दवा में खर्च हो रहा है वो बचत होगा और जो भारत का ये स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है कि सभी गांव स्वच्छ हों स्वस्थ हों तभी हमारा स्वच्छ भारत बनेगा।